महाराष्ट्र के कल्याण में कल्याणपुर विधानसभा चुनावी क्षेत्र के विधायक गणपत गायकवाड़ ने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल्याणपुर के सर्वांगीण विकास के लिए विधायक गणपत गायकवाड़ को विशेष निधि दी है, जिसके तहत बीते 3 दिनों से विधायक ने अनेकों विकास कामों का उद्घाटन किया और आने वाले 3 दिनों में भी कल्याणपुर के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। गौरतलब है कि महानगरपालिका में फंड की कमी के चलते कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत नागरिकों का मूलभूत विकास अधर में लटका हुआ है। मनपा के खजाने में निधि की कमतरता के कारण नगर सेवक भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस विषय में विधायक गणपत गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निधि की मांग की है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने विशेष कोटे से कल्याणपुर की जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए लगभग 60 करोड़ की निधि मंजूर की है। वहीं दूसरी ओर कल्याणपुर विधानसभा में गड्ढों की समस्या से नागरिक परेशान हैं। रास्ते में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रास्ता? हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में विधायक से प्रश्न किया तो उन्होंने गड्ढों का ठीकरा मनपा प्रशासन पर फोड़ दिया। विधायक ने कहा कि मैंने अनेकों बार मनपा को अर्जी लिखकर गड्ढों को बंद करने की मांग की, लेकिन मनपा अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसी कड़ी में विधायक गणपत गायकवाड़ ने सोमवार के दिन 8 ठिकानों पर अनेकों सुविधाओं का भूमि पूजन किया। रास्ते की मरम्मत, गटर और नाली की मरम्मत के लिए लगभग 2,32,00,000 की निधि से होने वाले कामों का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व परिवहन समिति सभापति सुभाष महेश के, बीजेपी कल्याण जिला सचिव पांडुरंग भोसले, संदीप तांबे कल्याण पूर्व शहर अध्यक्ष संदीप सिंह आदि बीजेपी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। करीबन 7 काम के उद्घाटन किए गए हैं। पिछले 2 दिन पहले 11 काम के उद्घाटन किए गए थे। ऐसे करीबन 55 से 60 करोड़ के काम कल्याणपूर्वक के विधानसभा में होने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो CM साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो सामान्य जनता है इनकी जो मूलभूत सुविधा ये इसके लिए जो मुझे फंड दिया हुआ है और उससे जो लोगों को जो गटर और जो छोटे रास्ते और एरिया के जो छोटे जो रास्ते होते हैं वो रास्ते ऐसे हर टाइप के रास्ते के लिए जो लोगों की मूलभूत सुविधा के लिए जो फंड रखता है वो फंड मुझे CM साहब ने दिया हुआ है। और आने वाले समय में करीबन बड़े जो रोड है उसके लिए करीबन 60 से 70 करोड़ का और फंड मिलने वाला है। और आने वाले समय में जो जो काम करने का वो काम जो सर्वसामान्य जनता के लिए चाहिए वो होगा। सर, देखा जाए कि कल्याण ईस्ट में काफ़ी खड्डे हैं, काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है इसमें। एक्चुअली कल्याण ईस्ट में जो बड़े बड़े रोड है वो KDMC ने मेंटेन करना चाहिए, वो KDMC मेंटेन नहीं कर रही है और उस खड्डे के वजह से बहुत लोगों की जान गई है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं हर वक्त KDMC को रेटरबाजी, आप जो आश्चर्य गांव का रास्ता है आगे का माने गए आश्चर्य माने गए के बीच का और इतर जो भी रास्ते जो बड़े बड़े हैं वो रास्तों के लिए जो KDMC लोगों से जो टैक्स वसूलती है उसका जिम्मेदारी है KDMC की, उन्होंने वो रास्ते बनाना चाहिए लेकिन वो रास्ते बना नहीं पाते। लेकिन जो अंदर के जो काम है जो एक्चुअल गरीब आदमी को जिससे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि आज गटर ठीक से नहीं रहेगा, आजू बाजू का एरिया ठीक से नहीं रहेगा तो जो बीमारियाँ फैलती है वो बीमारियाँ फैलने के वजह से आदमी को बहुत नुकसान में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका एक तो बीमार होने से काम पे नहीं जा पाता है और डॉक्टर के पास उतना खर्चा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ये मूलभूत जो सुविधा है वो देने की जिम्मेदारी KDMC की है, वो नहीं दे पाते, उसके लिए मैंने CM साहब को रिक्वेस्ट करके मैंने ये फंड लेके आया हूँ।